लद्दाख में शहीद हुए हजारीबाग के खीर गांव गडेरिया मोहल्ला निवासी जवान संदीप कुमार पाल का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच चुका है। सेना के अधिकारी रांची एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को लेकर हजारीबाग पहुंच चुके हैं। उधर हजारीबाग में शहीद संदीप कुमार पाल के पार्थिव शरीर देखकर लोगों के आंख नम रह गए। घर मोहल्ले का माहौल गमगीन हो गया है। इधर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर के आने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर शहीद जवान के परिजन भी एयरपोर्ट में मौजूद थे। जीएन भारत भी शहीद संदीप कुमार पाल को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। संदीप कुमार पाल का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट लाया गया। जब ये समाचार में हमने सुना कि झारखंड का एक जवान लद्दाख में बस नदी में गिरने से 7 जवान शहीद हो गए और जिसमें एक हमारे झारखंड के संदीप पाल हैं, आज उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। यह जवान झारखंड का नाम रोशन किया और उनकी इच्छा थी कि मैं दुश्मन के सामने लड़ते हुए छाती में सीने में मैं गोली खाऊं, लेकिन ऊपर वाले की जो लिखा है कि आज एक दुर्घटना में वो शहीद हो गए, मैं उनके विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार वालों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हमारे इस धरती का देश का रक्षा के लिए अपना बोर्डार में थे। इस तरह का घटना से मुझे भी प्रदेश के या देश के जनता की दुखी है। हम ही प्रार्थना करेंगे ऐसे दुख को घड़ी में संदीप पाल का जैसे परिवार को सहन शक्ति दे और कुछ बड़ा देश को रक्षा करने के लिए हम लोग सेना के ऊपर निर्भर एक ऐसा जगह में रहते हैं जहाँ पर बोदार पहाड़ पर्वत सभी तरह का देश का रक्षा, इसलिए हम संदीप पाल का सम्मानित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं परिवार को सहन शक्ति दे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।